मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। नवरूना मामले में सीबीआई ने 6 संदिग्धों को विशेष न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने सभी संदिग्धों को 2 दिनों के लिए सीबीआई कोर्ट रिमांड की दी अनुमति। डीएलएड के आवेदकों ने फॉर्म धीमा जमा करने को लेकर प्रधान डाकघर में किया हंगामा। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस। एआईडीएसओ ने भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। और अय्यापुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर दरभंगा फोरलेन से गश्ती के दौरान एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नवरूना मामले में सीबीआई ने 6 संदिग्धों को विशेष न्यायालय में पेशी की और न्यायालय से फिर से सभी संदिग्धों को 5 दिनों के रिमांड की मांग की, लेकिन न्यायालय ने सिर्फ 2 दिनों की ही अनुमति दी है। नवरूना कांड में शुक्रवार को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में फिर से शाह आलम शब्बू, विकुश शुक्ला समेत 6 संदिग्धों की रिमांड पूछताछ के लिए मांग की। इस दौरान सीबीआई की ओर से दायर रिमांड अर्जी का संदिग्धों के वकील ने पुरजोर विरोध किया। विरोध के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की। कोर्ट ने एक एक कर विकुश शुक्ला, शाह आलम शब्बू, ब्रजेश सिंह, अभय गुप्ता, राकेश विमल अग्रवाल से पूछताछ की। इसके बाद कोर्ट ने आईओ से स्पष्टीकरण मांगा। पूछताछ के बाद कोर्ट ने फिलहाल रिमांड की अवधि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं पूर्व में मिले 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सीबीआई सभी संदिग्धों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना से मुजफ्फरपुर लेकर पहुंची। आज सीबीआई के द्वारा पुनः 5 दिनों का रिमांड मांगा गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया और न्यायालय के समक्ष रखा कि सीबीआई द्वारा प्रताड़ित किया गया है। सस्पेक्ट जो संदिग्ध है, उन्होंने भी कहा कि वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। सारी सुनवाई के बाद 2 दिनों का और पुलिस रिमांड दिया गया है और हिदायत दी गई है कि सीबीआई की व्यवहार न करें। सारे 6 के 6 संदिग्ध जो सीबीआई के अभी कस्टडी में है, वो पुलिस कस्टडी में रिमांड पर 2 दिनों के लिए पढ़ाया गया उसको, और शायद कुछ सीबीआई को और कोई एविडेंस की आवश्यकता है। अय्यापुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर दरभंगा फोरलेन से गश्ती के दौरान एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अय्यापुर पुलिस को मिली थी इसकी गुप्त सूचना। अय्यापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार व्यक्ति को अवैध हथियार और कारतूस के साथ दरभंगा फोरलेन से गिरफ्तार किया। दरअसल अय्यापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने अपराधी घूम रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने गश्ती के दौरान संदिग्धों की जांच की, जिसमें चक मोहम्मदपुर गांव के राजा सिंह को 1 पिस्टन और 7 राउंड गोली के साथ गिरफ्तार किया। राजा सिंह का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आज दिन के लगभग 12 बजे अय्यापुर थाने की पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था दरभंगा रोड में। जिस अभियान में मैं, एएसआई कृष्णा राम, भू अनि रघुनाथ कुमार, भू अनि प्रमोद कुमार एवं सशस्त्र बल के लोग शामिल थे। उसी दौरान सूचना मिली कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का रहने वाला राजा सिंह सौरभ नाम का एक क्रिमिनल पिस्टल लेकर के मोहल्ले में घूम रहा है तथा कोई वारदात करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर जब हम लोगों ने टोल लेना शुरू किया तो चक मोहम्मद मोहल्ले में एक लड़का मोटरसाइकिल से पुलिस गाड़ी को देख करके भागने लगा, जिसके दौरान जब हम लोगों ने मोहल्ले की घेराबंदी की तो वह पुलिस के घेराबंदी में आने के बाद रुका और उसकी जांच के दौरान उसकी कमर से एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस 7.65 एमएम का बरामद हुआ, जिसके बाद उसे थाना लाकर उचित कानूनी अपराधी रिकॉर्ड भी पूछा इसका पहले से। हाँ, इस अपराधी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अय्यापुर थाने में भी ये कांड दर्ज है और यह मोतिहारी जिला से भी जेल जा चुका है। खबरा रामदयालु रेलखंड पर सुबह 10 बजे करीब समस्तीपुर के निवासी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सीमा विवाद के कारण रेल पुलिस ने 2:30 बजे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरा रामदयालु रेलखंड पर आज सुबह 10 बजे के करीब समस्तीपुर चीनी मिल निवासी नूनू मंडल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान उसके पास मिली आधार कार्ड से हुई, लेकिन रेलखंड विवाद के कारण यह लाश कई घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा। सीमा विवाद सुलझते 2:30 बज गया। इसके बाद रेल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। अपनी विवाहिता बेटी की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक विवस्मा पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर वर्षों से काट रही है, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
अपनी विवाहिता बेटी की हत्या के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए एक विवश मां पिछले कुछ वर्षों से संबंधित थाना से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते परेशान है। अय्यापुर के कोल्हुआ पैगंबरपुर के रहने वाली 60 वर्षीय मीना देवी शुक्रवार को फिर न्याय की आस में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि उनकी बेटी की हत्या ससुराल वालों ने दहेज में मुंह मांगा पैसा नहीं देने के कारण कर दी। हत्या के बाद से बेटी के ससुराल वाले धमकी देने लगे, उसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ बेटी को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा किया, लेकिन संबंधित थाना द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। क्या? बेटी दामाद के साथ बहुत टॉर्चर लोग करता था, उसके चलते पहले हमारे दामाद को मार दिए, उसके बाद 6 महीना के बाद बेटी को भी मार दिया। दिन रात टॉर्चर करते करते थे, इसके चलते दिन रात टॉर्चर कर रहा। उसके बाद हम नाती को ले आए तो उससे नाती के चलते अब टॉर्चर उस लोग कर रहा है। जी, कितना परेशान है आप? बहुत दिन से हम परेशान है। उसको 2 साल से जला के मार दिया, बेटी को भी जला के मार दिया। तो हम ये लोग धमकी दिया हमको कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको हम तुमको भी उड़वा देंगे। फिर घर पर चढ़ के मारा हम लोग का, लड़का नहीं था उस समय, उस घर पर आके हमार पीट किया, छीन छुर किया, दोनों बच्चा भी लेके भाग रहा था। सब पूरे समाज को पुलिस में भी शिकायत किए थे क्या? हाँ, पुलिस की शिकायत किए तो वो लोग वहाँ से केस नहीं ली, इसे आप वहाँ जाइए कोर्ट में जाइए, कोर्ट कहा कि ठीक है तो कोर्ट फिर अय्यापुर भेजा, कोई वहाँ से फिर नहीं गया इंक्वायरी तो कोई कहे नहीं उससे मैं आपको कैसे मारा, सो कोई सही में था पता नहीं है। अब उसका अब कहता है कि सिर्फ जाने दीजिए, वो हटाइए बात को। क्या न्याय मांगने आएंगे आप यहाँ? यहाँ क्यों आए? न्याय मांगने आए कि हम गए, इसको न्याय मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए जी। और जो हमारा बच्चा का अति मिलना चाहिए, बच्चा हम उस लोग को नहीं देंगे। सदर थाना क्षेत्र के खबरा में भूतपूर्व सैनिक ने धोखाधड़ी मामले में थाना द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आईजी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सदर थाना क्षेत्र के खबरा के भूतपूर्व सैनिक ने अपने साथ धोखाधड़ी मामले में सदर थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आईजी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। दरअसल भूतपूर्व सैनिक को उसी के किरायेदार द्वारा 50,000 और 90,000 का 2 चेक फर्जी तरीके से देकर फरार हो गया, जिसकी लिखित शिकायत सदर थाना में की। थाना द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद आईजी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सुजीत कुमार नाम का लड़का मेरे डेरा में 17 जून 2017 से रहता था और मेरे साथ 10 लाख रुपए का धोखाधड़ी करके यहाँ से चला गया। आज तक कहता था पैसा दे दूंगा, लेकिन अब वो गाली वगैरह बकता है। हम इसके लिए थाना प्रभारी से लेकर के हर जगह पर घुमा गए, लेकिन कहीं कोई साथ नहीं है। किस लिए उसको पैसा दिया था? पैसा वो सर यहाँ रहने के लिए आया था, दुकान किए हुआ था और दुकान कर करके यहाँ रहा है। एक रात में ही कहीं से वो भागा था, वहाँ से भी आया था तो एक रात में ही भाग करके आ गया था सर, यहाँ से भी एक रात में भाग। समरणालय में हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी ने मोतीपुर पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर धरना दिया और अपना ज्ञापन वरीय पुलिस अधीक्षक को सौंपा। समरणालय में हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी ने पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आजाद पार्टी ने पुलिस द्वारा आरोपियों को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया। आजाद पार्टी का कहना है कि मोतीपुर थाना कांड संख्या 351/18 में 7 लोग नामजद आरोपी है, जिसे मोतीपुर पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अगर 1 सप्ताह के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो आंदोलन जारी रखने की बात इन्होंने की है। थाना दो परिवारिक के सामने में झोटा था, फिर शादी खोल के अरिंदा भगत, अजय भगत, सतिंदर भगत, सोनू भगत, अशोक भगत हमला किए, गाली दे दिए, चाकू पर गर्दन गिराने के कोशिश की। थाना परिवारिक उठ के चले गए, हम थाना पर नहीं गए, 12 बजे रात के घर छोड़ के भाग गए। हम दूसरे जगह धरना पर आके हम धरना ले चुके हैं। सदर थाना क्षेत्र के चश्मा धर्मपुर गांव की युवती के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर युवती और उसके परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने पहुंची। दो थाना ने इस मामले को केस लेने से इनकार किया था।
सदर थाना क्षेत्र के चश्मा धर्मपुर गांव निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता न्याय की उम्मीद में सदर और महिला थाना दौड़कर जब थक गई तो न्याय की गुहार एसएसपी हरप्रीत कौर से लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोसी मोहम्मद सरफराज एवं मोहम्मद अफजल द्वारा 1 मई को सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने जब अपने परिजनों को यह सूचना दी तब से अब तक पीड़िता और परिजन न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं। सदर थाना गए उसके बाद बोले महिला थाना जाने के लिए, महिला थाना गए उसके बाद बोले सदर सब थाना जाने के लिए, वहाँ का मामला नहीं। अच्छा अच्छा, उस दिन उसको डांटे चिल्लाए हल्ला गुल्ला नहीं किया? नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे, बाजल जब बज रहा था चिल्लाते भी तो कैसे कोई आता, कोई नहीं था वहाँ पे। पहले से भी सब पहचान पहचान? नहीं नहीं, कुछ नहीं था। जैसे बोले पानी दिए इसीलिए? हाँ, तो आया ना तो हमसे पानी मांगा तो हम पानी देने गए। पड़ोस का है? हाँ, पड़ोस का ही है, बगल का है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद सरफराज। और मोहम्मद अफजल। तो वो अकेले था कि? दोनों आया, लेकिन गलत एक ही किया मेरे साथ, मोहम्मद सरफराज। विरोध किया उसको? मारे काटे? मारे नहीं, हम अकेले कर क्या कर पाते, अकेले थे, हाथ मेरा पकड़ लिया, मुँह जानती है, कुछ नहीं कर पाए। पुलिस? धमका दिया था कि अगर किसी को बोलेगी, किसी से कहेगी तो तुम्हारे घर वाले को कत्ल कर देंगे, भाई बाप को उठवा देंगे। अभी तक तो पुलिस के पास तुम जो मामला लेकर के आई है, क्या हो रहा है अभी तक तुम्हारे मामले में? सर मेरा जो है ना सुना हो गया, हो गया सर। मैंने कि हम सदर थाना गए ना तो वहाँ बोले कि जाइए, मैंने कि टाउन थाना जाइए, टाउन थाना से बोले कि नहीं सदर जाइए, सदर से आगे बढ़ाओ ना, तो बोले कि नहीं यहाँ नहीं हो रहा, महिला थाना जाइए। फिर वहाँ से आपस आ गए तो मैंने कि बोले कि जाइए वहाँ महिला थाना जाइए। फिर है जो प्रॉब्लम नंबर तीन से बोले समाज लोग कि ठीक है जी, आप लोग जब कोई समस्या नहीं हो रहा है तो आप लोग आगे बढ़िए, तब है जो हम लोग आगे बढ़िए। हम लोग अभी तो नहीं आगे बढ़ के बताओ, 2 तारीख से ना हम लोग, मैंने दौड़ते दौड़ थक गए, तब है जो लास्ट में यहाँ आए। तो महिला में जो और महिला के दरोगा है ऑफिसर, वो क्या करती है? सर बोले कि नहीं यहाँ से कोई नहीं कुछ हो रहा, तब यहाँ आए हम लोग। उसको बोले नहीं कि नहीं आप ही क्या होगा? प्रधान डाकघर में आज डीएलएड के आवेदकों ने धीमा फॉर्म जमा लेता देख जमकर हंगामा किया। मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंच छात्रों को शांत कराया। डीएलएड के आवेदन जमा करने के लिए आज प्रधान डाकघर में हजारों की संख्या में आवेदक पहुंच गए। देखते ही देखते प्रधान डाकघर में लंबी लंबी कतारें लग गई। दरअसल डीएलएड के आवेदन जमा करने की शनिवार को अंतिम तिथि है और प्रधान डाकघर में महज 7 ही काउंटर खोले गए थे। फॉर्म धीमी गति से जमा होता देख आवेदकों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंचकर आवेदकों को शांत कराया। जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो काउंटर खोला हुआ है जहाँ पे आपका स्पीच को एक्सेप्ट किया जा रहा है वो बहुत कम है, जिस कारण से विद्यार्थी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के बोर्ड के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें, रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला आमगोला ओरिएंट क्लब। आकर्षण है रेंजर झूला जो यूरोप से मंगाया गया है। यह झूला जो है मुजफ्फरपुर पहली बार है और यहाँ के जुआ ज्योतिया काफी इसका आनंद उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ के लोगों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करूँगा कि एक बार मेला में आकर के मेला का आनंद उठाएं रेंजर झूला के साथ। धन्यवाद। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है।
विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अलियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अगोरिया बजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर आर 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स एट जीनियस क्लासेस। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी, बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 7635091378,
763-50-913-87 763-50-913-96. Genius, naam hi pehchan hai. Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है. विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है. इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है. विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस क्लब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है. तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें. हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर. आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955-45627-8544-077-116. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है. तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में AIDSO के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में LS कॉलेज मेन गेट पर AIDSO के सदस्यों ने कुलपति का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में AIDSO के छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में मुजफ्फरपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला और LS कॉलेज गेट पर कुलपति का पुतला फूंका. इस दौरान तिलका मांझी विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर छात्रों ने नारेबाजी की. इसके साथ ही अनियमित सत्र, लंबित परीक्षाएं एवं रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ भी आक्रोश जताया. AIDSO के छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में सैन्य अधिकारी को कुल सचिव बनाने का विरोध शांति तरीके से किया जा रहा था. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठी चलवाया. इसमें राज्य सचिव घायल हो गए. कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पर राज्य सरकार के तानाशाही रवैये के कारण छात्रों का भविष्य संकट में है. राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है. आप लोगों को भी जानकारी हो, कल के डेट में 10 मई को ऑल इंडिया DSO की ओर से सत्र अनियमितता, रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी, शिक्षकों की कमी, कर्मचारियों की कमी एवं रजिस्ट्रार के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी की नियुक्ति के खिलाफ ऑल इंडिया DSO की ओर से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक विरोध प्रदर्शन था. आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ एक तो घंटों विद्यार्थी लोग मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, उनसे वार्ता के लिए कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा. उल्टे जब विद्यार्थी मैंने वहां बैठे थे, वो मैंने प्रशासन के द्वारा, वो गुंडों के द्वारा उन लोगों को मैंने पिटाई किया गया, जिसमें बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं. उसमें हमारे संगठन के राज्य सचिव रोशन कुमार रवि मैंने गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उनके सर में चोट लगा है, उनका सर फट गया है. तो यह बहुत ही मैंने निंदनीय घटना है. और एक लोकतांत्रिक संस्था में, कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर में जब छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन का काम होना चाहिए कि उनकी बातों को सुने. लेकिन विश्वविद्यालय पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का काम कर रही है. जबकि विश्वविद्यालय के अंदर में शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है. शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है. ऐसे में इस तरीके का कदम छात्रों के गुस्से को और भी मैंने गुस्सा को और बढ़ाएगा. RDS कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य ने किया. इस दौरान कॉलेज के सभी कर्मचारियों के साथ छात्र संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे. रामदयालु सिंह महाविद्यालय में नवनिर्वाचित छात्र संघ के सदस्यों के लिए छात्र संघ के कार्यालय का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया गया. इस दौरान कॉलेज के कर्मचारी मौजूद रहे. इस मौके पर छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कार्यालय हो जाने के बाद छात्र छात्राएं अपनी सारी समस्याओं को छात्र संघ के सामने आसानी से रख सकते हैं. महाविद्यालय में छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिगण के लिए प्राचार्य ने बीवन काटकर छात्र संघ कार्यालय का शुभारंभ किया है और यहाँ सारा व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से रहा है. और प्राचार्य महोदय हमें आश्वासन दिए कि कॉलेज में जल्द ही छात्र संघ कार्यालय में पंखा और जो भी चीज़ें कमी हैं वो जल्द ही अपने फंड से लगवाएंगे. और छात्र छात्राओं के लिए अब हम लोग
अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और छात्रों को जो भी समस्या होगी वो हमारे ऑफिस में आकर रखेंगे और हम लोग उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हर संभव छात्र की समस्या के लिए खड़े रहेंगे। अभी जो एग्जाम का जिस चल रहा है सीजन बहुत लेट चल रहा है, इसको लेकर क्या जी? इसको लेकर हम लोग VC से बात कर रहे हैं लेकिन वो सही से बात नहीं कर रहे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि राज्यपाल के पास जाए और राजभवन में जाकर राज्यपाल से उनसे बात करें कि हमारे यूनिवर्सिटी का जो ये दयनीय हालत है इन पर उनका ध्यान इस ओर नहीं है राज्यभवन में, क्योंकि वहाँ तक ये मुद्दा अभी पहुँचा ही नहीं है, इसलिए हम लोग जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे इस मुद्दा को। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर दिल्ली में केंद्र सरकार का घेराव करेगी, जिसको लेकर जिले के हम कार्यकर्ता ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। दलित उत्पीड़न, किसानों की समस्या एवं बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा दिल्ली में होने वाले धरना प्रदर्शन की सफलता के लिए शुक्रवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा कोर्ट परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सहनी ने कहा, बिहार को एक नई दिशा एवं दशा देने हेतु पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में केंद्र से राज्य तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। आज का बैठक था जो हम लोगों ने आज का बैठक जो है यह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज एडवोकेट एसोसिएशन के प्रांगण में आज एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया, जिसमें हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में दिनांक 20/5/2018 को बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मांग करने एवं SC/ST कानून में संशोधन के में बदलाव करने के विरुद्ध हमारे माननीय नेता के नेतृत्व में लाखों लाख की संख्या में केंद्र सरकार का घेराव करने हेतु संसद भवन दिनांक 20/4/2018 को कुछ करेगा और अपने आंदोलन विशेष राज्य के मांग का दर्जा को लेकर उस दिन से लगातार जब तक कि केंद्र सरकार हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा न दे तब तक हम लोग का संघर्ष वहां केंद्र सरकार नई दिल्ली से शुरू होगा। यह पूरे सूबे बिहार के प्रत्येक जिला प्रत्येक कस्बा में यह इस विशेष राज्य के दर्जा के लिए संघर्ष किया जाएगा और जनता को गोलबंद किया जाएगा और साथ ही आज के बैठक में विशेष रूप से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बिहार का को नई दिशा और दशा देने हेतु उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी हम लोग बिहार में उनको प्रोजेक्ट करेंगे अपने पार्टी के तरफ से और बिहार के जनता और स्वयं प्यार को। नव युवक समिति ट्रस्ट ने नेशनल माइनॉरिटी समिति में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस की जयंती समारोह की तैयारी को अहम बैठक की, जिसमें समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। आगामी 13 मई को आवेदा स्कूल के प्रांगण में नेशनल माइनॉरिटी सोशल फ्रंट द्वारा आयोजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर जयंती एवं पुरस्कार सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर शुक्रवार को छोटी श्रेयागंज स्थित नवयुवक समिति के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह की सफलता को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कहा कि यह समारोह बिहार की धरती पर पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल होकर समारोह को ऐतिहासिक बनाने का कार्य करेंगे। आज हम लोग नेशनल माइनॉरिटी सोशल फ्रंट ये सामाजिक संगठन है, आज इस फ्रंट का जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, तमाम साथी राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम प्रखंड कन्वेनर से लेकर तमाम लोग जुटे हैं। उद्देश्य हमारा है कि आने वाले आगामी 13 मई 2018 को आवेदा हाई स्कूल चंदवाड़ा में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब का हम लोग ऐतिहासिक यादगार बनाने जा रहे हैं और बड़ी ही कामयाब और सफल इनकी जयंती समारोह होगी और सम्मान पुरस्कार समारोह 2018 की कामयाबी के लिए तमाम लोगों ने तैयारी समिति की बैठक किया है और उम्मीद करते हैं कि 13 मई 2018 यादगार होगा। बीजेपी जिला कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शौर्य दिवस मनाया, जिसको युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला परिषद स्थित पार्टी कार्यालय में शौर्य दिवस मनाया गया। भाजयुमो के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 11 मई एवं 13 मई को किए गए परमाणु प्रशिक्षण को लेकर यह बताया कि उनके निर्णय एवं पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में दिए गए उनके योगदान को याद किया। पार्टी युवा मोर्चा के तहत पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में 11 मई और 13 मई को परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था, जो अपने भारत के आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अटल इरादे के साथ। आप सभी जानते हैं कि जब परमाणु की बात आती थी अमेरिका से प्रतिबंध लग जाता था और कभी भी हमारे देश में परमाणु बन के 15-17 साल पहले तैयार हो गया, लेकिन इरादा कमजोर होने के कारण, सरकार कमजोर, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण उसका परीक्षण 15-17 साल बाद देश में एक अटल इरादे का प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी और उन्होंने सीधे पूर्व के अपने राष्ट्रपति और उस समय के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि आप इसकी तैयारी करो, अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने वाली है, चाहे दुनिया जितना प्रतिबंध लगा ले, भारत अपनी शक्ति का परीक्षण करेगा। और 11 मई को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परमाणु का पोखरण परीक्षण हुआ और हम इस नौजवानों में अपने, चूंकि हम देश को जब मिसाइल दिए, मिसाइल मैन के नाम से भारत भी जाने जाने लगा, इस चीज को हम शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर अपने नौजवान को इससे अवगत कराना चाहते हैं कि भारत की शक्ति तभी बड़ी है जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही है। जुरन छपरा के चेतना मार्केट में देवा हेल्थ केयर का शुभारंभ किया गया। सिविल सर्जन ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मौके पर कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। शुक्रवार को जुरन छपरा स्थित चेतना मार्केट में देवा हेल्थ केयर का उद्घाटन सिविल सर्जन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर देवा हेल्थ केयर की डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने बताया कि शहर के निसंतान दंपतियों को अब दिल्ली मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता को IVR, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और कृत्रिम गर्भाधान की सारी सुविधा उनकी क्लिनिक में ही मिलेंगी। मैंने अपना MBBS KGMU लखनऊ एंड MD इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एम्स दिल्ली से किया है। एम्स दिल्ली में काम करने का 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं चाहूँगी कि जितना हो सके एम्स वाली फैसिलिटी मुजफ्फरपुर सिटी में प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि मुजफ्फरपुर से लोगों को एम्स दिल्ली ना जाना पड़े। और इसमें मुझे पेशेंट्स का एंड और लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए होगा। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि इसमें कोऑपरेट करें। क्या मतलब ये संस्थान में क्या नया मिलेगा? मैंने अभी अपना संस्था देवा हेल्थ केयर में OPD स्टार्ट किया है एंड मैं कोशिश करूँगी मरीजों को लैप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI सब कुछ प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि उन्हें इन चीज़ों के लिए दिल्ली जाके वेट ना करना पड़े। 6-6 महीने साल भर मरीजों को वेट करना पड़ता है, बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगी वो सारी फैसिलिटी इस सिटी में प्रोवाइड करूँ, ताकि बिहार से दिल्ली एम्स में पेशेंट्स का जाना आना कम हो जाए। ये IVF कुछ कॉस्टली होता है, तो क्या ये IVF डेफिनेटली कॉस्टली होता है, बट जो जस्टिफाइड रेट होगा हम कोशिश करेंगे, और हम गरीब मरीजों के लिए कोशिश करेंगे कुछ सब्सिडाइज्ड रेट में IVF करने का। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।